सब्र का फल मीठा होता है, ये सोच सोच कर मैंने सब्र किया और मेरा फल किसी और के साथ भाग गया। कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, पर मेरा वाला थोड़ा अलग था। अरे मतलब लड़का ही था, पर मेरा वाला अलग था, वो खुद ही गोल्ड डिगर था। मेरा वाला बहुत अमीर था, स्टारबक्स जाता था मेरे पैसों से, ऑनलाइन शॉपिंग तो ऐसे करता था जैसे उसके पापा ही सेलर बैठे हों, पर मोड ऑफ पेमेंट वो मेरा नंबर लगा देता था। वो कहता था मुझे अगले महीने दे देगा जब उसके पापा उसे पैसे दे देंगे, तब तक मेरे पापा मुझे महीने में 2 बार दे दिया करते थे। मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए हम 1 साल की एनिवर्सरी भी नहीं मना पाए। मिलनसार तो इतना कि आज तक वो अपने एक्स को छोड़ नहीं पाया है, उसके साथ टच में है फ्रेंड्स के अलाने के साथ। अरे अच्छे दोस्त हैं, ऐसे जज नहीं कर सकते। मुझसे कहता था विवी तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, तुम्हें अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मोमोज पिज्ज़ा वो मेरे ही हिस्से का मेरे ही सामने बैठ के खा जाता था और मैं उसको देखा करती थी, है ना, कितना केयरिंग था। मेरे बनाए हुए हैंडमेड गुलदस्ते वो अपने दोस्तों को बेच आता था और उसके दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते थे, और उनकी गर्लफ्रेंड जब तारीफ करती थी तो वो मुझे आकर बताता था कि गुलदस्ते बहुत अच्छे बने थे। मैन हाँ। तो सिर्फ लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं। तो मैंने अपने एक्स की क्वालिटीज बता दी हैं।